हेलो गाइस, माय नेम इज हर्षित शर्मा और मैं जयपुर शहर से हूँ और मेरे फेवरेट रैपर है ज्ञानी 2.0। भाई मारो मुझे, मारो मारो नहीं, मुझे नहीं, मारो यार, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। देसी हिप सो हेलो गाइस, माय नेम इज कार्तिक शर्मा एंड आई एम फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। सो माय फेवरेट रैपर इज बोहेमिया और वो सबसे क्यों अलग है, बिकॉज वो बस उनकी थॉट प्रोसेस, उनकी शायरी इज नेक्स्ट लेवल यार। ही इज़ अ पायनियर, उन्होंने ही देसी हिप हॉप स्टार्ट किया था एंड जब वो बोलते हैं ना तो मतलब कत्ल हो जाता है। एंड या जादू राजा करे रात मैदान खाली, सो नो डाउट अबाउट इट। एंड मैं बोहेमिया को किस रैपर के साथ कोलैब करते हुए देखना चाहूँगा, आई थिंक बोहेमिया का जो स्टाइल है, आई विल लाइक टू सी सबसे पहले मुबारकबाद देता हूँ मैं 13,000 सब्सक्राइबर के ऊपर, एक बहुत बड़ी बात। और इंट्रोडक्शन पे आते हैं तो मेरा नाम है शायान नदीम और मैं कराची से बिलोंग करता हूँ। तो यार मेरे फेवरेट रैपर्स हैं यंग स्टनर्स, यार मर्चेंडाइज देख के समझ तो गए होंगे। और फिर मैंने पहला सॉन्ग इनका मैंने सुना था मेला मजनू, जो कि आई गेस मैं क्लास 6 में था। और ड्रीम कोलेब्रेशन कृष्णा के साथ हो गया है, तो आगे चलकर अगर देखें तो आई एम श्योर रागा के साथ कोलैब आने वाला है, लेकिन फिर उससे आगे चलकर देखें तो मैं रफ्तार के साथ कोलैब देखना चाहूँगा। मैं कोटा में रहता हूँ और कोटा राजस्थान, और मेरा फेवरेट रैपर है इक्का। उसका फर्स्ट सॉन्ग मैंने सुना था इंटरव्यू, जो कि मैंने सुना था अगस्त के टाइम पे 2018। तब से मैं उसका फ़ैन बन गया और उसके बाद से मैंने भी रैप करना चालू कर दिया और ऐसे ऐसे आगे चलता गया। उसकी जो क्वालिटीज़ है जो उसको सबसे अलग बनाती है वो है कि मतलब उसकी जो आवाज़ है, वो जो मेलोडीज़ बनाता है गानों में, वो जो लिरिक्स लिखता है, उसके ऐसे लिरिक्स मैंने आज तक किसी के नहीं देखे। वो और डिवाइन उसके टक्कर का है बस, और बाकी उसके लिरिक्स बहुत खतरनाक होते हैं। वो कमर्शियल ट्रैक्स बहुत खतरनाक बनाता है और सबसे अलग उसकी आवाज़, उसकी आवाज़ इतनी अच्छी मेलोडी आती है कि एक नंबर लगती है उसकी आवाज़। और उसका कोलैब मैं देखना चाहता हूँ एमिगो विंटा के साथ, क्योंकि वो भी मेरा फेवरेट रैपर है। मतलब वो सेकंड पे आता है, वो फर्स्ट पे आता है, क्योंकि वो ज़्यादा अच्छे गाने बनाता है एमिगो से। मेरा नाम है हामी एम्प्टीनेस और मैं आसाम का रहने वाला हूँ। मेरा फेवरेट रैपर है रफ्तार। रफ्तार का जो गाना आया था BBM निंदिकोर और मैंस म्यूजिक के साथ, उस गाने के बाद रफ्तार मेरा फेवरेट बन गया। और वो मेरा फेवरेट इसलिए है क्योंकि उसका जो नॉइज है वो सबसे अलग होता है और उसका जो लिरिक्स होता है वो बहुत हार्ड होता है और डायरेक्ट दिल से कनेक्ट होता है। और अगर इन फ्यूचर मैं रफ्तार भाई के साथ किसी को कोलैब में देखना चाहता हूँ और वो है नाज, जो अभी अभी गाना आया था रेस्ट इन पीस वाला, वो बंदा बहुत अच्छा काम कर रहा है। अगर रफ्तार भाई के साथ उसका कोलैब आएगा तो उसको थोड़ा हाइप मिलेगा और सब उसको सुनने लगेंगे। यही मैं चाहता हूँ, शिव भाई इस वीडियो को रफ्तार भाई के पास पहुँचा देना। हाय, मेरा नाम सौरभ जैन है और मैं मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर शहर से हूँ और मेरा फेवरेट रैपर तालांजोम है। और वो उसका पहला गाना सुना था मैंने 100 बार्स, वो मुझे इतना पसंद आया कि वो मेरा फेवरेट रैपर हो गया है तब से। और वो इसलिए भी फेवरेट रैपर है क्योंकि उसकी हर लाइन में डीप मीनिंग्स होती हैं, सबलिमिनली डिस करता है, सबलिमिनली बात करता है, और वो मुझे बहुत पसंद है। और मैं चाहता हूँ कि वो मुफाड़ के साथ कॉलैब करे क्योंकि वो भी सबलिमिनली बहुत ही ज़्यादा हार्ड है। दैट्स इट। हेलो, मेरा नाम है अब्दुल्ला, मैं लाहौर पाकिस्तान से। मेरे फेवरेट रैपर्स हैं यंग सिनर्स। मैंने उनका पहला गाना सुना था मेला मजनू आलाम से सुना, और जो चीज़ उनको सबसे डिफरेंट बनाती है वो है तलहा अंजुम के वर्ड प्ले रेफरेंसेस और तलहा यूनस के बार्स बहुत आग होते हैं, फ्लो भी बहुत आग होता है। और मैं चाहता हूँ कि उनका कोलैब हो दुनिया सर के साथ या रफ्तार के साथ। मेरा नाम शिवम है, मैं अलीगढ़ से हूँ और मेरे फेवरेट रैपर्स हैं यो यो हनी सिंह। उनका पहला गाना सुना था कून विच गर्मी, तब इतना चलन नहीं था इसका रैप का, तो मैंने सुना 2011 में, मुझे इतना अच्छा लगा। मेरे भाई ने ला के सुनाया था मुझे, चिप में लेके आया था गाना। और उनका वो अलग क्यों है सबसे वो आपको पता ही है। और उनका ड्रीम कोलैबोरेशन टिम्बरलैंड और आज के समय में एमवी वंटा एंड एक्स यो यो हनी सिंह, दिल खुश हो जाएगा, ड्रीम कोलैबोरेशन ये। मेरा नाम है ऋषि और मैं हैदराबाद से हूँ। तो मेरा फेवरेट रैपर है तेरे भाई का नाम क्या है, नाम संताली से। तो 47 ब्रो मेरा फेवरेट रैपर है। मैं फर्स्ट सॉन्ग 47 भाई का सुना था 0 फर्क सॉन्ग, बहुत अच्छा लगा मेरे को। उसका हुक भी बहुत अच्छा लगा, पड़ा मुझे 0 फर्क BMN 0 फर्क वो वाला हुक। एंड 47 भाई का जो भी रेफरेंसेस होता है
बहुत बहुत अच्छा लगता है, बहुत रिलेटेबल होता है रेफरेंसेस, और उसका दिल्ली वाला स्वैग जो है बहुत अच्छा लगता है मेरे को। एंड मैं 47 भाई को देखना चाहता हूँ कोलैब करते हुए और एक गुड़गांव रैपर के साथ जो कि है KR डॉलर साइन कृष्णा भाई के साथ। कृष्णा और 47 भाई का कोलैब देखना चाहता हूँ मैं, बहुत हार्ड होगा एंड वो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट होगा। मेरा नाम धर्मराज है और मैं बूंदी शहर से हूँ और मेरा फेवरेट रैपर है बॉय मियाँ। बॉय मियाँ इज अ लेजेंड ब्रो। और बॉय मियाँ का पहला गाना था मैंने सुना था टोर, एक दोस्त ने सुनाया था मुझे और उसके बाद से मैं उसका फ़ैन हो गया। और बॉय मियाँ की खास बात है कि वो रैप जो करता है ना वो दूसरों रैपर से थोड़ा हटके होता है जो लिरिक्स। और बॉय मियाँ का कोलैबोरेशन मैं रफ्तार के साथ देखना चाहता हूँ। भाई हो मेरी फेवरेट रैपर है मिर्ची दबा और मैं उनका पहला गाना सुना था आने दे। और भाई ने क्या गाना लिखा था भाई, फैन हो गया गाने के बाद उनका। और भाई मेरा यूट्यूब चैनल है, अगर भाई आप लोगों को देखना हो तो प्लीज़ देख लेना मेरे चैनल STH ग्रुप नाम से। और भाई ड्रीम कोलैबोरेशन तो ये होगा कि भाई Eminem के साथ कर ले, बहुत सारे आर्टिस्ट अच्छे अच्छे उनके साथ कर लें और इंडिया के सीन को ऊपर लेके जाएँ, अच्छा लेके जाएँ। और भाई सब आर्टिस्ट को सपोर्ट है, किसी को हिट नहीं है, बस रिस्पेक्ट है भाई के अंदर से।